नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक विजन। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ WSC फर्स्ट ईयर, ITI फर्स्ट ईयर के 200 MCQ, मोस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा। यहाँ पे मैंने 200 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे लगातार वीडियो की सीरीज लेकर आता रहूँगा। यह जो वीडियो है यह इसका पार्ट वन है, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक। दोस्तों, ये जो MCQ है ये WSC वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन है, यहाँ मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं ये आपके DGT के वेबसाइट पर, जो भारत स्किल जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने इसे डाउनलोड किया है, और वहाँ पे जो मॉक टेस्ट दिया गया है, क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया है जो कि DGT का है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम में एकदम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इम्पोर्टेंट क्लासेस, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा कि व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट, जो हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट होता है उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। यहाँ पे हिंदी में भी आप क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, यहाँ पे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी ऑप्शन भी दिए हुए हैं दोनों लैंग्वेजों में, तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। इकाई के जो प्रणाली होते हैं, जो यूनिट का जो सिस्टम होता है वो कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से वह कौन सा इकाई है। इकाई है तो पहला है ब्रिटिश एंड मेटल सिस्टम, बी ऑप्शन है ग्रेविटेशनल एंड नॉन ग्रेविटेशनल, ये होता नहीं है, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण ये नहीं है। ऑप्शन सी फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट, कहने का मतलब मौलिक और व्युत्पन्न, ये ऑप्शन सी हो सकता है। और ऑप्शन डी हम लोग देख लेते हैं, मैट्रिक एंड इंटरनेशनल, मैट्रिक और इंटरनेशनल। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा सी, ऑप्शन नंबर सी है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। दोस्तों, जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो हमारा WCSC का पहला चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये कि यहाँ पे पूछा गया है सिस्टम ऑफ यूनिट कितने तरह के होते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। दोनों क्या है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपके जो क्वेश्चन है मैं इसके फैक्ट भी बताता चलूँगा, मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं कराऊँगा, मैं इसके एग्जैक्ट फैक्ट भी बताऊँगा। इसलिए आप इसके इस वीडियो को अंत तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मौलिक और व्युत्पन्न, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट, ये क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट 7 तरह के होते हैं और डिराइव यूनिट बहुत तरह के हो सकते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट उसको कहते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से हैं, मीटर सेंटी सॉरी मीटर लेंथ का होता है यूनिट, अगर बात करें तो मीटर सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, तो इस तरह से 7 होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। यहाँ पे पूछा गया है फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है लंबाई, द्रव्यमान और आयतन। दूसरा ऑप्शन है लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन लंबाई, द्रव्यमान और आयतन। दोस्तों, आयतन हमारा डिराइव्ड यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट नहीं है ये हमारा। आयतन बोले तो अगर आयतन हमारा क्या होता है, एल इंटू एल इंटू एल, मतलब यहाँ पे 3 यूनिट है, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र तो नहीं है, इसीलिए कहेंगे इसे डिराइव्ड यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। लंबाई हमारा, लंबाई के लिए एल लिखते हैं, ये अपने आप से स्वतंत्र है। द्रव्यमान जो होता है उसका यूनिट होता है केजी, केजी अपने आप में स्वतंत्र है, बोले तो मास अपने आप में स्वतंत्र है, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो अगला ऑप्शन है सी, सी क्या है लेंथ मास एंड एरिया, लंबाई द्रव्यमान और क्षेत्रफल। तो यहाँ पे क्षेत्रफल डिराइव्ड यूनिट है तो तीनों है नहीं, लंबाई दाब और आयतन, यहाँ पर भी ये आयतन डिराइव्ड है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन होगा हमारा बी लंबाई, द्रव्यमान और समय, दोनों ही क्या है, मतलब तीनों ही यहाँ पे क्या है, ये फंडामेंटल यूनिट है। दोस्तों, 7 फंडामेंटल यूनिट में थे, यूनिट में से यहाँ पे 3 फंडामेंटल यूनिट दिया गया है, लेंथ मास टाइम,
ठीक है। तो और कौन कौन से होते हैं बाकी के चार, तो टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ठीक है, उसके बाद ज्योति तीव्रता हो गया, और एक होता है जिसे कहते हैं मोलर पदार्थ की मात्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिनोट्स लेटर एम इन एम के एस सिस्टम, एम के एस प्रणाली में एम का अक्षर क्या दर्शाता है। दोस्तों हमारा जो यूनिट होता है उसके ऐसे तो चार सिस्टम होते हैं, कौन कौन, CGS, MKS, ठीक है, और FPS, और एक होता है SI सिस्टम, ठीक है। तो उनमें से MKS सिस्टम में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे M क्या है, M किसको डिनोट करता है, ठीक है। तो M यहाँ पे होता है MKS सिस्टम में मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, मतलब M4 क्या है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा मीटर, सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मिलीमीटर आर देयर इन 1 इंच, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए कि एक इंच में हमारा होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसे आपको याद करना है। 1 इंच में क्या होता है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होता है। तो 2.5 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, तो 2.54 सेंटीमीटर में हमारा हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर में, 2.54 सेंटीमीटर में कितना होगा, तो इसे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा हो जाएगा 2540। यहाँ पे देखिएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमारा यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर होगा हमारा 25.4। तो आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी 25.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18 एंड 6 एंड 36, 12, 18, 6, 36 का एलसीएम कितना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके तो 2-3 मेथड हैं, लेकिन हम लोग सिंपल मेथड यहाँ पे गुणनखंड मेथड देखेंगे। क्या करते हैं, इसमें जो भी नंबर है 12, सॉरी इसे थोड़ा हैंड राइटिंग दोस्तों मेरा थोड़ा ख़राब है, मैनेज कर लीजिएगा, 12, 18, 6 और 36, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए गुणनखंड मेथड में, गुणनखंड नहीं दोस्तों यहाँ पे भाग मेथड है, डिवाइड मेथड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, अभाज्य नंबर यानी कि प्राइम नंबर, वैसा नंबर जो अपने आप से सिर्फ जाता है, जिसका फैक्टर सिर्फ, मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, वैसे नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर हमारा होता है 2, सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो सारे को देखना है, मिनिमम हमारा 2 नंबर यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए। तो कैसे देखते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, 2 से करना है, 2 6 12 कोमा, 2 9 18, 2 3 6 और 2 1 2 1 बचा 16 हो गया, 2 8 16। दोस्तों इस तरह से करना, क्या हमारे यहाँ फिर से 2 से जा रहा है, तो दोस्तों मैक्सिमम 2 नंबर जा रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, नहीं तो फिर जो संख्या जा रही है उससे डिवाइड करेंगे। 2 3 6 9 नहीं जा रहा है, इसे एज इट इज़ इसको उतार देना है नीचे, 3 नहीं जा रहा है इसे उतार देना है, 2 9 18, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 से जाने वाली कोई संख्या नहीं है, तो 2 के बाद हमारा प्राइम नंबर क्या है, 3, क्या यह 3 से जा रही है कोई मैक्सिमम 2 नंबर, तो चारों ही जा रही है, तो 3 का 3 3 3 9 3 का 3 3 3 9, क्या हमारा 2 नंबर अभी भी जा रहा है 3 से, ठीक है जा रहा है, 3 का 3 और 3 का 3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया हमारा, आ गया 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 × 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे एलसीएम निकल गया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, मतलब इनको
इसे आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 × 2 × 3 × 3, तो इसे आप मल्टीप्लाई कराइएगा तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो आंसर हमारा एलसीएम होगा 36, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एचसीएओ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले मैंने एलसीएम का डिफिनेशन बताना भूल गया। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम दी गई संख्याएं का, एलसीएम वह नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से क्या होता है, विभक्त हो जाता है। मतलब ये 36 जो आया, ये सारे संख्याएं 12, 18, 6 और 36 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरी विभक्त हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उस ऐसे नंबर को, ऐसे छोटे से नंबर को क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। दोस्तों आपको पता, मतलब यहाँ पे ये नोट कर लेना चाहिए कि एलसीएम जो होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है, लार्जेस्ट कॉमन मीडियन मल्टीपल, लार्जेस्ट कॉमन मीडियन, लार्जेस्ट मतलब बड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पे ये आता है जो संख्याएं होती उससे ये बड़ा होता है या तो किसी एक संख्या के बराबर हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं एचसीएफ पे। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18, 42 और 24। तो इसका एचसीएफ है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन मीडियन, सॉरी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दी गई संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, किसी दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं से विभक्त होने वाली वह संख्या, बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या होती है, विभक्त हो जाती है, वैसे संख्याओं को कहते हैं एचसीएफ, वैसी संख्या को कहते हैं एचसीएफ। यानी कि जो दी गई संख्या है 18, 42 और 24, इससे कौन सी संख्या विभक्त, इन तीनों को कौन सी संख्या विभक्त करती है। दोस्तों सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया हो, तो यहाँ पे एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और डिफिनेशन होता है कि दी गई संख्याओं को कौन सी संख्या पूरा पूरी विभक्त करती है, मतलब कि पूरा विभक्त करती है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 6 वैसा नंबर है जो तीनों को क्या करेगा, विभक्त करेगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। तो इसे निकाला कैसे जाते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो एचसीएफ निकालने का भी बहुत सारे मेथड है, इसे हम लोग भाग मेथड से ही करेंगे। 18, 42 और 24, ठीक है। इसे अब देखिए, तीनों संख्याएं कौन सी, यहाँ पे तीन संख्याएं, तीनों कौन सी संख्या से विभक्त हो रही है, तो आप 2 से कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक में हम लोग सीखते हैं 2 से। 2 × 9 = 18, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, जैसा हमने एलसीएम निकाला तो उसी तरह से डिवाइड करना है, 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन, तीनों संख्या किससे विभक्त हो रही है, यहाँ पे दोस्तों हमने वहाँ पे कोई एक 2 संख्या को हमने कंडीशन रखा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एचसीएफ में तीनों संख्याएं जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 से सारी संख्याएं जा रही हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21 और 3 × 4 = 12। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये तीनों संख्याएं किसी कॉमन नंबर से नहीं जा रही है, सिर्फ एक को छोड़कर, तो हमें क्या करना है, बस यहीं तक हमें भाग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी संख्याएं आई, इसे आपस में गुणा करा दीजिए, तो इनका एचसीएफ हो गया 6। तो इस तरह से एचसीएफ निकला इसका 6, ऑप्शन होगा इसका बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द इम्प्रॉपर फैक्टर, सॉरी व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन, जो दिया गया यहाँ पे भिन्न है 7.3/7, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही है, जिसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किए हैं। तो यहाँ पे 7.3/7, इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो इस यहाँ पे क्या करते हैं, 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं, गुणा कराते हैं, और यहाँ पे जो गुणनफल आएगा उसे 3 में जोड़ देते हैं, ऊपर के नंबर में जोड़ देते हैं। तो 37 = 49, 49 में 3 जोड़ा हमने, क्या हो गया, 52, तो हमारा हो गया 52/7,
तो ऑप्शन नंबर हमारा 52/7 कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए छुप गया है, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए 52/7, यहाँ पे 52/7 है, आपको दिखाई नहीं ना दे रहा हो तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन है कन्वर्ट डेसिमल, ये जो डेसिमल है पॉइंट वाले नंबर को कहते हैं डेसिमल नंबर, टू फ्रैक्शन। इस डेसिमल नंबर को किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न में चेंज करना है। हिंदी में देखें क्वेश्चन, तो इस दशमलव भिन्न को क्या करना है? साधारण भिन्न में चेंज करना है। साधारण भिन्न जो कि पी बाय क्यू के रूप में रहता है उसे कहते हैं साधारण भिन्न, और डेसिमल यानी कि दशमलव भिन्न कहते हैं जो पॉइंट में रहता है उस नंबर को कहते हैं दशमलव भिन्न। तो हमें पी बाय क्यू के रूप में चेंज करना है, तो जो नंबर है 0.00065 9/, अच्छा इसे बटे में लाना है। अब देखिए दोस्तों ये जो नंबर है इसको कैसे चेंज करना है, ठीक है? तो जितने भी यहाँ पे जीरो को छोड़कर जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उसे आप नोट करिए, 6 है 5 है और 9 है। अब क्या है, दशमलव के जगह पे रखना है 1। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो देखिएगा आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट हैं। तो जितने डिजिट होंगे, जीरो को भी काउंट करना है, जितने भी नंबर होंगे, ठीक है, इन नंबरों से पहले, ठीक है, कोई भी नंबर मतलब संख्या का पहले 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या होता है ऐसे तो सिंपल नंबर में किसी नंबर के आगे अगर 0 होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर वो दशमलव संख्या है तो संख्या के आगे 0 होता है उसका वैल्यू होता है, बाद के नंबर में अगर बाद में अगर 0 लगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हमें सारे नंबर को काउंट करना है। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, 6, तो यहाँ पे लगा देना है 6 0, 1 के बाद 6 0, 4 5 और 6। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा है, अगर कटता तो इसे काट देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा नंबर नहीं कट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा, तो किससे मैच कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे 6 659 सारे में है, 6 0 किस में है, 6 0 यहाँ पे है 6 0, ठीक है, 2 और 3 6, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई, सरल कीजिए, ये जो संख्या है इसको क्या करना है, सरल करना है, मतलब इसको सॉल्यूट करना है, इसको सॉल्व करना है, तो इसे मैं सिंपल तरीके में लिख लेता हूँ, ये 3/4 है, बीच में प्लस, ये 2/5 है, माइनस ये 5/20 है। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये भिन्न का जोड़ घटाव है। दोस्तों भिन्न का जोड़ घटाव में क्या करते हैं, भिन्न में क्या है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, तो नीचे में जो हर है इनका एलसीएम निकालते हैं। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ा देर पहले एलसीएम निकाला था, तो 4 5 और 20 का एलसीएम निकालना है, 4 5 और 20, ठीक है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मिनिमम 2 नंबर जाना चाहिए, 2 2 4 चला गया, 5 नहीं गया, उसे जैसे का तैसा उतार देना है, यहाँ पे 10 बार में चला गया 20, फिर क्या ये 2 से जा रहा है, 2 संख्या एकदम जा रही है, 2 1 2, 2 नहीं गया, सॉरी 5 नहीं गया, उतार दिया हमने, 2 5 10, अब किससे जाएगी, 2 संख्या जानी चाहिए, 5 से जा रही है, तो कितना आ गया, 5 1 5 5 1 5, मतलब यहाँ पर आप गुना करा दीजिए, 2 2 4 2 2 4 और 4 5 20, तो एलसीएम हमारा निकला 20, उसे लिख देना है नीचे पे, 20 हमने लिखा। अब क्या करना है, ये जो संख्या है 4, इसका अंश सॉरी हर को 20 से डिवाइड कीजिए, ये जो एलसीएम आया था 20 कितने बार में जाएगा, 5, भागफल क्या आया, 5। अब ये 5 को इसके ऊपर वाले नंबर से क्या करना होता है, गुना, तो 5 दिया कितना हो गया, 15, 5 दिया हो गया 15, उसी तरह से 5 से हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो 5 से करेंगे यहाँ पे भाग करेंगे, 4 बार में जाएगा, 5 6 20, 4 जो भागफल है ऊपर वाले नंबर से क्या करना है, गुना, तो 4 2 हो गया 8। अब यहाँ पे जो साइन है वो लिखना है माइनस, यहाँ पे 20 से 20 भाग करेंगे, भागफल होगा 1, तो गुना भागफल जो आया है ऊपर उस संख्या से गुना करा देते हो, 5 1 5। अब ऊपर वाले संख्याओं को क्या कर दीजिए, ये कर देते हो, सबसे पहले हम लोग जोड़ते हैं, 15 और 8 हमारा हो गया 23, 23 - 5 हो गया, इसे मैं मिटा देता हूँ,
तेईस तेईस माइनस पाँच, तेईस माइनस पाँच बटे 20, तो 23 में से 5 माइनस कीजिएगा तो बचेगा हमारा 13, में से 5 माइनस किया तो हो गया हमारा 8 और इधर पे 1 मतलब 20। इसे आप एक बार कट रहे हैं ना, नीचे में 20 है, दो ऊपर में 18, दोनों दो से कट रहे हैं तो काट दीजिए, 2 9 18, 2 2 के 20 मतलब 9 बटे 10, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 10 जो है, 10 में क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक था इसीलिए मैंने उसे नहीं लिया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 11, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 0.003 × 0.5, यानी कि ये संख्या 0.003 और 0.05 का गुणनफल क्या है। तो दोस्तों पॉइंट वाले नंबर का गुणनफल कैसे होता है, 0.003 × 0.5, इसे गुना कराइए। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर का गुना बिना पॉइंट को, बिना जीरो को ध्यान दिए बिना इसे गुना कराइए, क्या होगा, 5 3 15। अब दोस्तों पॉइंट हम लोग कहाँ लगाएंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ पे 3 डिजिट, टोटल कितने डिजिट के बाद पॉइंट हो गया, 4। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा तो 2 डिजिट का ही नंबर है, तो हम क्या करेंगे, आगे में 0 डाल के इसे 4 डिजिट का बना देंगे, तो कितना हो गया 0 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 0015 हो गया। अब 4 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 0.0015, तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई, सरल कीजिए इसे, ठीक है, तो इसे हम लोग कर लेते हैं एक सिंप्लीफाई करके एक सरल तरीके में लिख लेते हैं। तो ये 17.49 × 5.2 / 6.5 है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आप, पॉइंट जो है पॉइंट को बिना इग्नोर करके, या तो पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं हटा लेते हैं। दोस्तों पॉइंट का हटाया कैसे जाता है, ऊपर में देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 3, मतलब यहाँ पे 3 0 नीचे में डाल दीजिए जो कि 1000 में होता है, और यहाँ पे कितने हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में लगेगा ये, यहाँ से काट सकते हैं, हो गया 100। अब देखिए दोस्तों ये एक सिंपल नंबर बन गया, पॉइंट हटा दिए मतलब यहाँ पे हमारा पॉइंट ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए कौन कट रहा है, 13 से देखिए दोस्तों कट रहा है, 13 5 65, 13 4 52 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर से काटेंगे 5 से, तो 5 1 5, 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 हो गया, 17 में से 15 चला गया, 2 बचा, ठीक है, यहाँ पे 4 है, 24 हो गया, हम लोग जाते हैं 5 4 20 होता है, 4 बार में चला गया, 4 बच गया, कितना हो गया 49, हम जाते हैं, एक मिनट, 5 4 20, 4 बच्चा, ठीक है, हो गया 49, मतलब 5 9 45, 5 9 45 हो गया, 45 चला गया, 4 बचा, 4 5 से नहीं जाएगा इसीलिए हमने पॉइंट डाला, 4 के बगल में 0 डाला, तो कितना हो गया 5 8 40, ठीक है। अब इसे क्या कराइए, गुना कराइए, तो यहाँ पे गुना कराइएगा 4 को, इससे हमको क्या करना है, गुना कराना है, तो गुना कराइए, 4 8 56, 5 बाकी है, 4 9 36, 36 और 5, 36 और 5 कितना हो गया 41, ठीक है, हाँ कितना हो गया 41, 4 बाकी है हमारा, 4 4 16, 16 4 कितना हो गया 20। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा हमको लग रहा है थोड़ा मिस्टेक, इसे थोड़ा मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन में गलती हो रहा था, फिर से गुना करिए, तो 4 8 होता है 32, 4 8 32, 32 का हमने लिखा 2, बचा 3, 4 9 36, 36 और 3 हो गया 39, 39 का हमने लिखा 9, फिर से बचा हाथ में रिमाइंडर बचा है 3, 4 4 16, 16 और 3 हो गया 19, 16 और 3 हो गया 19, बचा है 1, 4 3 12 और 1 हो गया 13, ठीक है।
अब नीचे में हमारा कितना जीरो था, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा 2 जीरो बटे में कितना है, 100 है हमारा, ठीक है। बटे में 100 का मतलब है यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल सकते हैं, तो आंसर होगा हमारा 13.9992, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किससे मैच कर रहा है, 13.9 बोले, सॉरी यहाँ पे 3 डिजिट बचेगा हमारा, अच्छा सॉरी, हाँ यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा खुद पहले से था, मतलब यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब यहाँ पे हमारा होगा 13.9, तो आंसर 13.9 या 9.9 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। चलते हैं हमारा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13, क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईच पार्ट इफ अ कॉपर वायर ऑफ 225 मीटर लॉन्ग इट इज कट इंटू 900 इक्वल पार्ट्स। यदि किसी 225 मीटर लंबे तार के, तांबे के लंबे तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे 225 मीटर लंबा तार है, इसको 900 बराबर भाग में बांटना है, मतलब इसका एक ये पार्ट का, एक तार का लंबाई कितनी होगी, ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमें करना पड़ता है भाग, मतलब 225 को क्या करना है, 900 बराबर भाग में बांटना है, बांटना है या डिवाइड करना है, मतलब ये भाग वाला क्वेश्चन है, तो इसे आप भाग कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या ये ऊपर वाला संख्या 9 से कट रहा है, चेक कैसे करते हैं, 5 2 7 7 2 9 9 आ रहा है, मतलब ये 9 से कट जाएगा, तो 9 का 9 9 दूना 18 कितना बचा, 4 हो गया 45, 9 5 45, मतलब 25/100 आया हमारा, नीचे में यहाँ पे 0100 बाकी है, मतलब हमारा 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.25, मतलब आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 529, 529 का वर्गमूल क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, ये पूछा गया। तो किसी भी संख्या का अगर बेसिक मेथड देखा जाए तो 529 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसमें क्या करते हैं, पहले दो संख्याओं को जोड़ा लगा देते हैं और इसे भाग करते हैं, भाग देते कैसे हैं, यहाँ पे जो 4 है, देखिए ये 4 किसका स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के करीब है या किसका स्क्वायर है, तो दोस्तों यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 के स्क्वायर के करीब है, तो इसे हम भाग देंगे 2 से, 2 दुना क्या होता है 4, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गुना करा के लिखते हैं 2 दुना 4, अब देखिए यहाँ पे शेष पर इसे माइनस कर दिए 1 बचा, अब यहाँ पे कराते हैं गुना, हाँ इसे कराते हैं गुना, 2 दुना कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे जोड़ते हैं, यहाँ पे जोड़ते हैं, 2 2 हो गया 4, अब यहाँ पे क्या कीजिए, जो जोड़े में थे उसे 7 में उतारना है, सिर्फ 9 नहीं, 2 को नहीं उतारना है, दोनों उतारना है हमें, दोनों संख्याओं को उतार देना है। तो अगला है क्या, 129, अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, जैसे दोस्तों यहाँ पे 3 रखते हैं तो हम गुना कराते हैं 3 से, तो दोस्तों 3 से गुना करिए, 3 3 9 3 4 12, ये जब तक चला जाता है, जब तक नहीं जाता है, मतलब 0 से जब तक नहीं बचता है तब तक हमें भाग कराना पड़ता है, तो दोस्तों हमने दिया था 2 और 3 से, मतलब 23 से, तो ऑप्शन होगा, मतलब आंसर होगा 529 किसका स्क्वायर है, 23 का, तो ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी। दोस्तों इसका एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ये आसान सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको काम आएगा। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर किसका स्क्वायर है अगर ये पता करना है, तो क्या है, 529 फिर से लगाइए 2 जोड़े, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 9 इकाई अंक क्या है, इसमें इकाई अंक है 9, दोस्तों 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, मतलब कहने का मतलब है किसके किसके स्क्वायर में इकाई अंक 9 आता है, यानी कि 1 का स्क्वायर में इकाई अंक 1 आता है, 2 का स्क्वायर में 4 आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर 81 होता है। दोस्तों बस हमें इतना स्क्वायर याद रखना चाहिए जो कि हर समय काम आते हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 9 किसके किसके स्क्वायर में आता है, 3 का स्क्वायर में 9 आता है, ठीक है, और सती सती 49 के स्क्वायर में 9 आता है, मतलब इसका इकाई अंक
क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है इकाई अंक, क्योंकि इन्हीं के स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या आता है? 9 आता है। 7 × 3 = 9 और 37 × 49 में 9। तो अगला है, बस इतना काम हो गया हमारा। अगला क्या है? 5। ठीक है, 5 देखिए, अब ये किसके स्क्वायर के करीब है? तो दोस्तों ये 2 के करीब है। तो 2, ठीक है, 2 का एक अगले नंबर, एक आगे का नंबर, जैसे 3 आता है तो 3 का अगले नंबर 4 से गुना कराना है, जैसे 2 आया तो 2 का अगले नंबर 3 से गुना कराइए, कितना हो गया? 6। दोस्तों अब इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे कंपेयर कीजिए कि क्या इस नंबर से, क्या 6 जो, मतलब ये 5 जो है, क्या 6 से बड़ा है या छोटा है? तो दोस्तों ये क्या है? छोटा है। तो यहाँ पे हमारा इसका तो आंसर आ गया था 2। ठीक है, इसका जो आया था 2, इसको ले लेना है यहाँ पे 2, और ये दोनों में से अगर ये इससे क्या हुआ, ये छोटा हुआ, तो हमें ले लेना है छोटा नंबर जो 3 है, तो यहाँ पे आंसर होगा 23। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने समझाने में इतना टाइम लगाया, जब आप ये समझ जाएंगे तो इसे करने में आपको मात्र 4 से 5 सेकंड लगने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ, इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, इस संख्या का स्क्वायर क्या होगा पूछा जा रहा है, कहने का मतलब 0.01 का वर्गमूल। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में हिंदी में कहा है वर्गमूल, वर्गमूल अलग चीज़ है, वर्ग अलग चीज़ है। दोस्तों यहाँ पे हमें वर्ग निकालना है। ठीक है, तो वर्ग निकालना है, यानी कि 0.01 का स्क्वायर, यानी कि इसे, स्क्वायर का मतलब होता है 0.01 को आपस में 2 बार गुना करा दीजिए, यही गुणनफल जो होगा। दोस्तों एक को कितना बार भी किसी भी संख्या से गुना करिए, एक ही होता है, सॉरी, जो जिसे गुना करेंगे वही आता है, मतलब यहाँ पे एक तो एक ही है तो एक ही आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे कितने डिजिट, टोटल 4 4 0 4 डिजिट बनाइए, तो यहाँ पे पॉइंट डालिए, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये सीरीज़ वीडियो का अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो पूरा सेट है क्वेश्चन बैंक का वो सारा देखने वाले हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है,